सबसे पहले आपका लाइव न्यूज गांव में हार्दिक स्वागत। और आज बड़े उमंग जोश के साथ आप लोगों ने गणगौर पूजा का आयोजन किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम हर साल के भांति अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा अध्यक्ष के तरफ से किया गया और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि जोश के साथ, ये जोश, ये उमंग की वजह से ही गणगौर महोत्सव किया जाता है। और इस जोश की वजह से, इन त्योहारों की वजह से ही आदमी कितना भी दुखी होगा लेकिन उसमें जोश आ जाता है, जिंदगी की उमंग जागती है, उसकी एक तरक्की मिलती है। ये त्योहार ये है जो हमें दुख भूलने के लिए सिखाती है, क्योंकि आज के जनरेशन के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर जितने स्ट्रेस है, कितनी टेंशन है, तो ये त्योहार हमको उस चीजों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम इस तरह का आयोजन करते हैं ताकि महिला शक्ति, हमारी मातृत्व शक्ति उन चीजों से उभरे और एक एंजॉयमेंट हो और हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को आगे बढ़े। आज देखा जाए कि सभी मातृशक्ति अलग अलग वेशभूषा में मौजूद है, कैसा लग रहा है? आप जज कीजिए कैसा लग रहा है। सुंदर सुंदर गणगौरे बन के आई, यहाँ तक कि हमारे देश, प्रदेश और जिलों से भी पूरी ट्रेन थीम बता रही है। दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, यहाँ से सभी टीम हमारी यहाँ पर बता रही है। उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मीडिया कवरेज करने के लिए आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने भी समय निकाला हमारे लिए। और ये न्यूज आप हमारे लिए पूरे राजस्थान के अंदर करवाएंगे तो इससे हम लोगों की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब प्रोत्साहन मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज इतने बड़े, आप तो सबसे फिट लग रहे हैं। सीमा चौहान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। विगत 4 वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धार्मिक रीति रिवाज और हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, उस चीज को हम चाहते हैं कि हम इसको मेंटेन रखें, हमारी नई युवा पीढ़ी को हम सिखाएं और इसको हस्तांतरण करें। हम इस चीज, हमारे जो त्योहार है, सभी को हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। हमने पूरे राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष से हमने छत्राणियों को यहाँ पर बुलाया है और हमारे एक आह्वान पर छत्राणियां यहाँ पे पधारी है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम लोग इसके अंदर ईसर जी और गणगौर जी की पूजा करते हैं, गणेश स्थापना करते हैं और शोभा की और सुहाग के प्रतीक ईसर गौरव माता की, गौरव माता की हम लोग पूजा करते हैं। जो बहने गणगौर हमारे हिंदू संस्कृति का बहुत मुख्य त्योहार है, आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताना चाहिए। बच्चियां पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त हो गई तो उन्हें भी अपनी संस्कृति के बारे में पता रहे, इसीलिए हम हर वर्ष ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति से यही निवेदन है कि अपनी संस्कृति का वापस से बच्चों के ऊपर असर होना चाहिए। पहले तो था ही, लेकिन आजकल सब बच्चे इससे कट रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है आयोजन करने का कि नई पीढ़ी वापस अपनी संस्कृति के लिए जागरूक रहे। मेरा शुभ नाम जीवन कंवर है, मैं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं सुनीला राजा, अखिल भारतीय क्षेत्रीय सदस्य। जैसे कि हर साल ये गणगौर का त्योहार मनाते हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि आने वाली युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा इस त्योहारों को जाने और हमारी जो परंपरा है, हमारे राजस्थान की जो कल्चर है, और इसको आगे बढ़ाए और सभी हर्ष और उल्लास से ये मनाए। धन्यवाद। गणगौर महोत्सव जो होता है उसको देखने से एक चीज महसूस होती है कि यहाँ की जो टीम है, जो यहाँ के कार्यकर्ता है, वो सब मिलकर के एक जो संस्कृति जा रही है ना, उस संस्कृति को वापस उठा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो आज सभी से, आज की युवा पीढ़ी से और अपने बुजुर्गो, बड़े बड़ों से, छोटों से, सभी से निवेदन करती हूँ कि गणगौर का जो त्योहार है वो सुहाग का प्रतीक है और ये एक उत्सव के साथ साथ ये अपने जीवन की समृद्धि और विकास का भी प्रतीक। आप क्या कहना चाहेंगे, आज आए हैं यहाँ पे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं मीनाक्षी राठौर, रासरिंग पॉप सिंगर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह के प्रोग्राम, मैं बहुत सारे अटेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी राजस्थान में हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं पे भी नहीं हिलने वाली है, क्योंकि समय समय पर हमारी महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई है वो इस तरह के प्रोग्राम करती रहती है और उनकी जड़ों को मजबूत करती है।
तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से हमारी जो पीढ़ी है वो सीख मिलती है, वो बहुत ही सुदृढ़ और आगे चलकर उसको बढ़ावा ही मिलता है। तो आज की दिन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगी कि आप जो इतनी अच्छी गायिका है और जितनी हो वो बहुत ही काबिले तारीफ है और मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत ही आपका जो संगीत है और जो गीत है मेरे को बहुत प्रिय है और बहुत अच्छा है। बस हम भी कोशिश करते हैं कि राजस्थान की संस्कृति जीवित रहे और बस हमारे जो लहजा होता है ना संगीत का, आपका जो गीत गाने का लहजा वो प्रशंसनीय है। यहाँ पे गणगौर महोत्सव में आई, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअल मैं आपको बताऊँ, मैं कभी ऐसे इवेंट में ही नहीं गई जहाँ पे ये राजपूत समाज का ये छतराणियाँ भाईसा रहती हैं। मैंने हमेशा इवेंट किए, काफ़ी फैशन शोज किए हैं, काफ़ी इवेंट्स में गई हूँ, लेकिन उनमें अलग तरह के परफॉर्मेंस होते हैं, अलग तरह के डिजाइन होते हैं, इंटरनेशनल डिजाइन होते हैं, सब तरह के डिजाइन, लेकिन मुझे आज रियल में बहुत अच्छा लगा ऐसे इवेंट में आके जहाँ पे पूरा राजपूत समाज एक मतलब राजपूत भाई साहब मतलब इतना सवर के आ रहे हैं, एक ही मतलब ऐसा लग रहा है सर पूरा परिवार एक ही परिवार है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सीमा जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट करके बहुत अच्छा किया। सीरियसली आप यहाँ अपना समय निकाल के आए, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। जरूर आओ इस इवेंट में भी आओ ताकि आपको लोग देखे कि अपने समाज में भी कोई ऐसी लड़की है, या आपको भी ऐसा लगे कि भी अपने समाज में ऐसा सब होता है तो अच्छा लगेगा। नहीं सीमा भाई सब कुछ अपने आप में भी है और आप लोग नमस्ते, मैं भीलवाड़ा से सीधू शेखावत श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतने प्यार से सीमा भाई सभी को लगे काम की व्यस्तता, बच्चा छोटा है, सब काम छोड़ के प्रोग्राम में उनके बुलाने के तौर तरीके से इतने ज्यादा बुलाने से हम लोग हमारा अचानक प्रोग्राम सडनली हुआ एकदम भागते भागते है, पर आके बहुत अच्छा लगा। मैं रीना कुमार चौहान भीलवाड़ा अखिल से जिला संयोजक हूँ। यहाँ ससम्मान हम लोगों को हर से बुलाया है, लोग आए हैं वहाँ से तीन और बहुत अच्छा है। अभी अपनी संस्कृति आगे बढ़ा रहे हैं, राजस्थान की परंपरा धरोहर को संभाल रहे हैं। मैं कमलेश कुमार राठौर अखिल भारतीय महिला ट्रस्ट महिला इकाई से हम लोग इस इवेंट में आए। बहुत अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता जो राजपूतों का सबसे बड़ा त्योहार है गणगौर, बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ मनाया जा रहा है और सभी जो सत्रणियाँ हैं वो सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर एंजॉय किया और सभी को बहुत